बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उस्मान खालिद आपसे मुखातब हूँ। तो जिस तरह के आप टॉपिक देख रहे हैं, हाउ टू व्यू डेस्कटॉप साइट्स ऑन एंड्रॉइड, कि किस तरह आप जो वेबसाइट है उसका डेस्कटॉप व्यू जो है वो अपने गूगल क्रोम पे देख सकते हैं, इससे मुराद ये है कि आप जब मोबाइल पे वेबसाइट खोलते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन क्योंकि छोटी होती है, तो मोबाइल जो है आपको कुछ जो वेबसाइट के हिस्से होते हैं वो छुपा देता है और कुछ दिखा देता है। तो आपको पूरी वेबसाइट जो है वो एक ही स्क्रीन पे नज़र नहीं आती, तो उसके लिए फिर जो छुपे हुए हिस्से हैं उसको आपको फिर एक्सप्लोर करना पड़ता है, स्क्रॉल करके आपको वेबसाइट स्क्रॉल करनी पड़ती है और आपको फिर नीचे जाना पड़ता है और आपको चीज़ों को ढूंढने में जो है वो मुश्किल पेश आती है। आप चाहते हैं कि मैं वेबसाइट ऐसे ही खोलूं कि जैसे मैं अपने कंप्यूटर पे खोली हुई है, तो उसके लिए फिर हम जो इसका डेस्कटॉप साइट मोड है वो मोबाइल का चेंज करते हैं गूगल क्रोम के ज़रिए। तो वो कैसे करना है तो वो मैं आपके सामने आपको करके दिखाता हूँ और एक मिसाल से आपको समझाता भी हूँ। तो मैं इसके अलावा कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ जी, लाइक मैं एक जो वेबसाइट ओपन करता हूँ UBS जॉब्स के हवाले से। ये देखें, ये आपके इस वक्त आपके सामने ये जो साइट है वो मोबाइल व्यू में नज़र आ रही है, ये लोड हो रही है। देखें, ये तस्वीर आपको ऊपर नज़र आ रही है और आपको स्क्रीन पर कुछ ही चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो सारी चीज़ें देखने के लिए आपको फिर ये स्क्रोलिंग का अमल करना पड़ता है और चीज़ें फिर आपको जाके ढूंढनी पड़ती हैं। आप चाहते हैं कि मैं ऐसे जैसे ही खोलूँ तो आपको पूरी स्क्रीन पर ये सारी ही चीज़ें नज़र आ जाएँ, तो उसके लिए फिर हम ये गूगल क्रोम की एक सेटिंग है, आप टॉप कॉर्नर पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने मेन्यू ओपन हो जाता है और उसमें एक ऑप्शन है जहाँ पे ये LCD की स्क्रीन बनी हुई है, वहाँ पे अपने डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखें एक ही व्यू में आपको सारी ही वेबसाइट की चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ये देखें, दाएँ तरफ आपको ये नज़र आ रही है, ये तस्वीर नज़र आ रही है, फिर नीचे रिलेटेड लिंक्स नज़र आ रहे हैं और ये बाकी सारी चीज़ें आपको एक ही स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। तो आपको चीज़ें जो है ना वो ढूंढनी नहीं पड़ती, बल्कि सारी की सारी ही आपके सामने ये एक ही स्क्रीन पे नज़र आ जाती हैं। तो इस तरह आप अपने जो वेबसाइट आप मोबाइल पर ओपन की हुई है और उसको आप डेस्कटॉप साइट जैसे ही सेट करते हैं तो आपको पूरी स्क्रीन पर एक ही जो है वो नज़र आती है। ठीक है जी, तो इसके साथ ही उस्मान खालिद को इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।